दोस्तों, मैं अपने एक दोस्त के घर यज्ञ करवा रहा था। अब यज्ञ करवाने के बाद कार्य तो सारे संपन्न हो गए थे, वहां बैठे हुए व्यक्ति भी इधर उधर हो गए थे, तभी ऊपर से झूमर टूट करके नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, लगी किसी को नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात थी। किसी भी स्थान पर ऐसी घटनाओं के बारे में अब आप क्या कहेंगे? हाँ दोस्तों, अब मैं इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आज का विषय है कि हवन करवाते वक्त लग जाए कपड़ों में आग, तो अब हम अपने विषय पर आएं। इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अब विषय है कि हवन करवाते हुए यदि लग जाए कपड़ों में आग। दोस्तों, आप ब्राह्मण के जीवन को क्या समझते हैं? ब्राह्मण के विषय में कुछ भी बोल दिया जाए, सम्मान भी बहुत अधिक करते हैं, तो कुछ कह भी देते हैं कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होता है। दोस्तों, यदि ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जहां पर वो कार्य कर रहा है, उन शक्तियों को यदि बाहर निकालता है, तो कोई ना कोई घटना उसके साथ अवश्य घटती है। अब मैं आज की बात ही बता रहा हूं कि आज मैंने अपने एक प्रेमी के घर में यज्ञ करना था। जमीन ली गई थी, जमीन वो ऐसी थी कि जहां पर उनके वारिस मर चुके थे, एक बचा था, वो भी शराब पीता था, कहीं चला गया, उसने बेच दी उनको। यानी उस जमीन में काफी दोष थे। अब उस जमीन के दोषों को निकालने के लिए जब मैंने यज्ञ किया, पूर्ण आहुति जब मैंने के बाद भी जब अपनी जायफल की आहुति लगाई, उसके बाद दोस्तों दीपक से जो अग्नि मेरे कपड़ों में लगी, अब उस अग्नि से पहले तो मेरे कपड़े जले। मैं दिखाता हूँ, ये देखो जले हुए ये सारे। आज सुबह ही मैं इसको बहुत अच्छा पहन करके गया था, ये सारे जले हुए हैं। ये इनको ध्यान से देखिए, ये सब जल गए, ये अपने इस साइड से। अब इनको मैं एकदम हटाऊंगा तो क्या होगा? मेरे हाथ भी जल गए दोस्तों। ये देखिए, मेरे हाथ भी पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे, ये आगे देखिए, मेरे पैर भी जल गए दोस्तों। ध्यान से देखिए, इधर में ये पैर ये दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है ये दोस्तों, किसी भी स्थान से जब समस्या को खदेड़ा जाए, यदि मंत्र सटीक काम करते हैं, तो समस्याएं जाते जाते अपना प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। पर हम इन से घबराते नहीं हैं, होता रहता है दोस्तों। यदि लग जाए आग या कभी भी कुछ होता, समझ लेना कि वहां से वो पावर निकल रही है, तो कभी ना घबराएं, अपने कार्यों में ध्यान दें, मंत्रों को उच्चारण के साथ में और विधि के साथ में जो भोग हैं वो लगाएंगे, तो नकारात्मक चीजों को बाहर निकलना ही पड़ेगा दोस्तों, निकलना ही पड़ेगा। आप करें उसका पूर्ण लाभ उठाएं। छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, आप करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ होगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और फिर मिलते हैं शीघ्र ही नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।